आज हम यहाँ पे टमाटर लगाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे टमाटर का कोई भी बीज नहीं लिया है। उसके लिए हमने सबसे पहले बाजार से ताज़ा टमाटर लिए हैं। बाजार से टमाटर का लेने का एक फ़ायदा यह है कि आपको बीज की बजाय ये ज़्यादा पता रहता है कि आपका टमाटर कैसा लगेगा, और आप इस तरह से कई तरह के टमाटर लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे चार तरह के टमाटर लिए हैं। ये ब्लैक ब्राउन टोमेटो है, इसे क्यूमेटो टोमेटो बोलते हैं, ये मैक्सिकन टमाटर है। ऐसे ही यहाँ पर ये हेयरलूम टोमेटोज़ हैं, ये हल्का पिंक होता है। और यहाँ पे मैंने छोटे बेबी टोमेटोज़ लिए हैं, ये देखिए। और यहाँ पे मैंने वाइन टोमेटोज़ लिए हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग रंग के हैं, हम एक एक टमाटर इसमें से निकाल लेंगे। अब हम इनको है ना, सबसे पहले इनकी एक पौध बनाने के लिए एक ट्रे लेंगे, उसके बाद हम इसमें पौध बनाने की तैयारी करेंगे। यहाँ पे मैंने घर में यूज़ होने वाला कोई भी प्लास्टिक का डब्बा ले लिया है। इसे हम अलग कट नहीं करेंगे, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि इस तरह से ये ग्रीन हाउस का इफ़ेक्ट का काम करेगा। अब हम इसके अंदर हमारी मिट्टी डालेंगे। यहाँ पे मैंने ये गार्डन सॉइल ली है। इसको हम अब ट्रे में डालेंगे। यहाँ पे मैंने एक ट्रे में मिट्टी डाल ली है। अब हम हमारा ये वाला टोमेटो कट करेंगे। ये देखिए, इसका हम ये जो अंदर का पल्प है इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, ये सबसे सस्ता और आसान तरीका है टमाटर लगाने का। ये देखिए, इसको हम ऐसे हाथ से अलग करेंगे। आप इस चीज़ का मत सोचिएगा कि ये एक जगह पे गिर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारे पौधे निकल आएंगे। एक इतने से हिस्से से अब 40-50 पौधे निकल आएंगे, तो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये बीज गीले हैं तो फिर अलग नहीं हो सकते ऐसे। मैं आधे हिस्से में ही डाल रही हूँ ये। आधे हिस्से में हम हमारा दूसरा टमाटर डालेंगे। अब हमारा जो ये ब्लैक और ब्राउन टोमेटो था, हम उसे कट करेंगे। देखिए ऐसे, मैंने पूरा टमाटर यूज़ नहीं किया, अंदर बहुत सारा पल्प और ये अभी भी बचा हुआ है। तो मतलब अगर आप 1/4 टमाटर भी यूज़ करते हैं तो भी कम से कम 50-60 पौधे तैयार हो जाएंगे टमाटर के।
अब इसे हम हल्के हाथ से कवर कर देंगे। अब आप चाहे तो बीच में यहाँ पे पार्टीशन का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको आसानी रहेगी नाम याद रखने में कि किस साइड आपके कौन से साइड का टोमेटो लगा हुआ है। अब हम हमारे यहाँ पर नाम लिख देंगे, इस साइड हमारा पिंक है, इस साइड हमारा ब्लैक है। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे, अब हमारा पानी डालने के बाद हम इसको धूप में ऐसे ढक के रख देंगे। हफ्ते के अंदर हमारे छोटे छोटे हमें फूड दिखने लग जाएगी और 20 दिन के अंदर हमारी पौध तैयार हो जाएगी, उसके बाद हम हमारे टमाटर लगा सकते हैं। अब हम हमारे जो बाकी के ये वाले टमाटर बचे हुए हैं, बेबी टोमेटोज और वाइन टोमेटोज, उसको हम लगाएंगे। अब यहाँ पर मैंने पुरानी फॉइल ट्रे ली है, इसमें भी हम हमारी मिट्टी डालेंगे। अब हमारे ये वाला छोटे वाला टमाटर है, इसको हम कट कर लेंगे, देखिए, और इसको ऐसे डाल देंगे। अब मैं यहाँ पे छोटे वाले बेबी टोमेटोज को यहाँ पे मिक्स करके लगा रही हूँ। आजकल बाजार में बहुत तरह के टमाटर आते हैं, तो इसे घर पे लगाना बहुत ही आसान है इस तरीके से, और बहुत ही सस्ता तरीका है ये, क्योंकि आप आधे टमाटर से कम 50 से 60 पौध तैयार कर सकते हैं टमाटर की। और यहाँ पे मैंने ये वाला टमाटर लिया है, बड़े वाला, अब हम इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे बीज खराब हो गया है, टूट गया है, इससे बीज को कुछ नुकसान नहीं होगा। इस साइड हम कवर कर देंगे, ऐसे ही हम इस साइड को भी। और इसको भी अच्छे से मिक्स करके अब इसमें पानी दे देंगे। ये देखिए यहाँ पे 3 हफ्ते हो गए हैं मेरे टमाटर, जो मैंने इस साइड यहाँ पर ब्लैक और ब्राउन टमाटर लगाए थे और यहाँ पर पिंक। इनकी अब छोटी छोटी पौध रेडी है।
और यहाँ पर जो मैंने चेरी टोमेटोज के बीज लगाए थे ये यहाँ पे टोटल दोनों ट्रे के अंदर करीबन 100 के आसपास पौधे रेडी हो गई है मेरी। देखिए ये सबसे आसान तरीका, आपको चेक किसी भी तरह की टमाटर लगानी हो आप बाजार से ले आए, बीज के लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आपको बीज बाज़ार में मिलेगा या नहीं। आजकल बाज़ार में अलग अलग तरह के अलग अलग वैरायटी के टमाटर आते हैं, तो आप बस उसे काट के नीचे उसकी पौध तैयार कर सकते हैं मिट्टी में लगा के।